फ्रेंड्स आज हमारे पास आ चुके हैं हंटर, और ये जो हमारे भैया है ना, ये काफी दूर से नहीं, वैसे पास से हैं गुड़गांव से, बट क्या है देख सकते हो भीगे हुए हैं भैया फिलहाल, तो सब शायद थोड़ा सूख चुके, थोड़ा सूख चुके भी आप जरूर सूख गए, आपके पास आके बड़े बड़े सूख जाते हैं, हम तो सूख गए ये तो हमारे सूखे नहीं, गलत बात है ये, गलत बात है, ऐसा नहीं होता सूखना, मतलब वैसे वाला सूखना नहीं, मतलब दिल भाग भाग वाला चीज है। ओके ओके, तो फिलहाल अभी आप अंदर आए हो, गाड़ी आपकी लग चुकी है, काम आते ही स्टार्ट कर दिया, जैसे ही देखते तो आप सब एक दो तीन चार चार बंदे लग चुके हैं इनका काम करने के लिए, और भैया कहना सिर्फ एक ही था कि आप सिर्फ जो कर सकते हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड में मुझे बता देना एटलीस्ट, बस यही सर, यही बात सर। तो अभी तक कैसा महसूस कर रहे हैं आप काम होते हुए? देखो आउटपुट्स पे ही डिपेंड करता है, मतलब फाइनलाइजेशन पे जाऊंगा उसके बाद में पता, और अभी तक है कंफर्ट जोन है ये पता ना आपको, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमेशा आप सबसे मैं यही कहता हूँ ना कि जब भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि यार हो तो रहा है बट कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, जब तक होगा नहीं कंप्लीट तब तक नहीं पता लगेगा, तो अभी करते हैं फिलहाल के समय कंप्लीट। देख तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, भैया आए थे भीगते, वो भैया फिलहाल सूख चुके हैं पूरी तरीके से, और काम भी इनका हो चुका है पूरी तरीके से, जैसे कि आपको नज़र आ रही है पहले की लुक क्या थी और अब की लुक क्या है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसके अंदर वाइज़र जो कि इसमें लगा दिया मेटल वाला, ये देखिए ये इसके अंदर मेटल वाला वाइज़र जो इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसमें मिलती है आपको हंटर की ब्रांडिंग, और लुक चेकआउट करो इसमें कैसी आती है। अमूमन आपने देखा ज़्यादातर प्लास्टिक वाले जो लगे होते थे इसके अंदर, जिस पे आरी का लोगो लगा होता था, या बिना लोगो वाले भी आते थे, बट ये आपका मेटल वाला जो इसके अंदर फिट कर देगा लुक एनहांस करने के लिए, और साथ में इसमें लगा दिया हेडलाइट, ये टारगेट वाली हेडलाइट जो इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, चाबी ऑन कर दिखाते हैं इसकी रोशनी कैसी होती है। देखिए पहले इसमें जलेगी आपकी वाइट जो कुछ इस तरीके से है, और फिट करते हैं इसको स्टार्ट, ये देखिए अब देखो रोशनी सामने की तरफ, ये इसकी रोशनी कुछ इस तरीके से मिल जाती है इसके अंदर, हाई लो हाई लो, काफ़ी अच्छी इसकी विजिबिलिटी होने वाली है इसकी, और साथ में जो इसका पॉइंट चेंज करते हैं ना, तो इसका कलर भी जो हो जाता है वो आपका हो जाता है येलो, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसको करते हैं बंद बाइक को, ये हो गई बंद, और इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कि देख सकते हो आप, ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि हमने बनवाया है छोटा वाला, नॉर्मली आपने देखा होगा पहले ज़्यादातर वीडियोज़ के अंदर बड़ा वाला, बट ये थोड़ा छोटा है, बट साइज़ देख सकते हैं किस टाइप का है, इससे टैंक सेफ होगी, आपके लैग सेफ होंगे, और ये भी मिलता है आपको ड्यूल स्लेडर, देख सकते हो ड्यूल स्लेडर वो वाला आपने देखा था वो सिंगल स्लेडर वाला होता था, बट ये आपका ड्यूल स्लेडर छोटा भी है, ड्यूल स्लेडर्स भी है, और इसकी मिलती है पूरी लाइफ टाइम गारंटी वेल्डिंग पॉइंट की, कभी टूटता तो आप हमारे बताइए चेंज करा दीजिए, चाहे कोई सी बाइक हो, ज़रूरी नहीं किसी बाइक को, हमारे खुद के बनते हैं इसलिए। सेम इधर मिले देख लो लुक चेकआउट करो किस तरीके इसकी आती है लगने के बाद, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर ये हैं इसके बार एंड मिरर जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिए गए, बार एंड मिरर लगाने के बाद ना जो इसके साइड वाले मिरर्स होते हैं वो हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो थोड़ा से ना अजीब लगते हैं जिन लोगों को उनका उनकी आदत नहीं है बड़े वाले की, वो इसको लगा सकते हैं, और ये मिलते हैं आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ, देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके अंदर आपको देखने को, और साइड ना इसमें अगर पीछे की देख बात करें विजिबिलिटी की तो आप लुक चेकआउट कर सकते हैं, ये देखिए पूरा पीछे का व्यू इसके अंदर नज़र आने वाला है आपको, और आप चाहो तो इसे जैसे मर्जी इसको रोटेट कर सकते हो, क्योंकि ये होते हैं आपके 360 डिग्री रोटेट आप समझ सकते हैं, तो ये कहीं भी लगाओ जरूरी नहीं ऊपर, आप चाहो सिर्फ लुक के लिए भी आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हो सिर्फ लुकिंग के लिए, बट अगर आपको देखना है तो आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कंपनी में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं बट हमारे पास सस्ते ही ज़्यादा महंगे नहीं है। इधर मिलता है आपको बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि आप देख सकते हो, ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, ये मिलता है पूरा एक साल की गारंटी के साथ, क्योंकि ये है आपका बोबो का ओरिजिनल मोबाइल, लगाने के बाद कहीं पर भी आप जा सकते हो, इजीली राइड कर सकते हो अपनी किसी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर आप ये इजीली लगा सकते हो। साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको स्क्रीन गार्ड जो कि नज़र नहीं आ रहा है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, स्क्रीन गार्ड लगा दे इससे आपको मीटर पे स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, और एक चीज़ और दिखाऊंगा इधर ये फ्रंट में आपको देखने मिलेगी इसमें मास्टर हंटर कैप जो कि मिलती है हंटर की ब्रांडिंग वाली स्टेनलेस स्टील है जो कि इसके अंदर लगा देगी, इससे इसकी लुक भी नहीं जाती है, साथ में इसमें स्क्रैचेस वगैरह खतरा भी होता है बिल्कुल खत्म। और उसके बाद आपको दिखाएंगे बैक साइड के अंदर, जैसे फ्रंट में देखा वैसे बैक साइड में देख लो, ये भी मास्टर हंटर कैप है जो कि लगा देगी इसके अंदर, इसे लगाने के बाद जो प्लास्टिक पार्ट होता है ये होता है पूरी तरीके से सेफ इसके अंदर। साथ में बैक साइड मिलता है आपको फुटरेस्ट जो कि हंटर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, इधर भी सेम मिलेगा आपको, उस तरफ लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से आती है इसकी लुक, और उस पर इजीली आप किसी को बिठा के राइड कर सकते हो इजीली। साथ में आपको मिलेगी इसके गियर शॉक्स जो आपके शूज़ को ख़राब होने से बचा देता है,
इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर साइड स्टैंड जैकेट, साइड में लगा दिया साइड स्टैंड जैकेट जो कि स्टेनलेस स्टील वाली है। इसे लगाने से एक तो आपका स्टैंड ना स्टेबल खड़ी रखेगा आपकी बाइक को, और कहीं पर भी जैसे राइड करते हो कहीं पर भी खड़ी करते हो तो कीचड़ में, डस्ट में, मिट्टी में, किसी भी चीज़ में लगाने के बाद ना स्टैंड आपकी बाइक स्किट होने से बच जाती है। और नीचे की तरफ दिखाएंगे आपको एक चीज़ और, ये देखिए सम गार्ड है जो कि मिलता है आपको, सम गार्ड मिलता है आपको मेटल वाला जो कि काफ़ी लॉन्ग साइज़ के अंदर, ये देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ बाल काफ़ी ज़्यादा इसका लॉन्ग है जो कि बनवा दिया गया है आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। हंटर ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाता है ये वाला सम गार्ड जो आपकी डस्ट भी कंट्रोल करेगा और डस्ट के साथ साथ लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा फ्रंट के अंदर ही हॉर्न जो कि ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, चाबी ऑन है ये देखिए। अब रोड पे आपको साइड ना मिले ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये जो हॉर्न है ये आपके होते हैं बुलेट के अंदर, जो पहले बुलेट आती थी ना जब इलेक्ट्रा वगैरह तो उसके अंदर लगे हुए थे क्लासिक वगैरह के अंदर, बट अब आपको पता है ये सिंगल ही हॉर्न देते हैं तो यही हॉर्न डबल कर दिए गए हैं इसके अंदर। इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इंडिकेटर बल्ब जो कि सिमटेक ओरिजिनल है ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं। पहले देख लो इसकी रोशनी, ये देखिए कितनी तेज़ इसकी विजिबिलिटी आ रही है इंडिकेटर्स की। और अब इसको करते हैं बंद, अब दिखाता हूँ आपको हैजार्ड, ये देखिए इसे मिल जाता है आपको हैजार्ड जो कि मिलता है आपको 22-35 पैटर्न्स, ये आपको मिल जाए 20-25 पैटर्न्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि इसकी मिलती है पूरी एक साल की गारंटी, और इंडिकेटर बल्ब की होती है आपकी 3 साल गारंटी, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और अब एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, देखिए आपको दिख रही होगी ये गंदी सी लेमिनेशन, ये गंदी नहीं है, ये देखिए शाइनिंग देखिए, ये भी इसके अंदर कर दी गई ट्रिपल लेयर लेमिनेशन जिससे टैंक आपका हमेशा का हमेशा सेफ रहे। खाली टैंक ही नहीं पूरी बाइक पे कर दी गई है, बाकी बाइक पे उतार दिए तो इसलिए मैं सिर्फ टैंक पे दिखा रहा हूँ, ये कर दी गई पूरी बाइक पे लैमिनेशन जो कि आपको मतलब ट्रिपल एयर वाली, इसे लगाने टैंक हो जाता है आपका पूरा से और बाइक भी होता है पूरी तरीके से सेफ, जो कि आपको हर बाइक में करानी चाहिए, हर स्कूटी में करानी चाहिए, चाहे वो नई हो, पुरानी होने का कोई फ़ायदा नहीं। पुरानी करवाओगे तो शाइनिंग तो जरूर आ जाएगी लेकिन क्या है पहले से ऑलरेडी उसमें स्क्रैचेस पड़े होंगे तो उसे कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। साथ में सीट कवर है ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिया, सीट कवर देख लो जो कि मिलता है आपको आरी की ब्रांडिंग और कुशनिंग वाला सीट कवर है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। साथ में मिलता है आपको बैक साइड का देख सकते हो, ये इसका हंटर की ब्रांडिंग वाला आपको मिल जाता है देखने को, बैक रेस्ट जो कि फुल सपोर्ट है देख सकते हो आप, प्रॉपर फिटिंग वाला ये लगा देगा इसके अंदर। साथ में मिलेगा पीछे टायर अगर जो कि आप देख सकते हो, लुक चेकआउट करो किस तरीके से आती है लगने के बाद, और लुक के साथ साथ ना ये आपके डस्ट को करता है कंट्रोल क्योंकि डस्ट जितनी भी आगे जाती है ना उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा आपके, क्योंकि आगे जाने का मतलब आप देख सकते हो सारी डस्ट वहाँ पर जाकर जमा हो जाती है, तो इसे लगाने से आपकी डस्ट वगैरह काफ़ी हद तक हो जाती है कंट्रोल, लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और यहाँ पर आकर इसकी तो होगी मोडिफिकेशन कंप्लीट, अब बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा। तो हेलो सर, कैसे हैं सर और कहाँ से आए हैं बताइए, और जो कह रहे थे कि पहले कर लें फिर बताइए, एक्सपीरियंस बताइए फिर आप। सर मेरा नाम योगेश है, गुड़गांव सेक्टर 45 में मैं रहता हूँ। मैं जैसा नाम सुन के आया था और जो चीज़ इमेजिन करके आया था वो आउटपुट्स मेरे को मिले हैं, और मतलब ये मान के चलो कि मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो वाली चीज़ मुझे मिली। सोचा नहीं था ऐसा? नहीं नहीं, मैंने नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि ये आउटपुट्स आएंगे ये। लेकिन ये अदर बाइक जितनी भी आपने देखी सबसे अलग ही है, बिल्कुल है, यूनिक है, क्योंकि आपने हमारे पर छोड़ दिया और बिल्कुल मैंने तो आते ही पहले बोला था आपको कि ये आप ही करेंगे जो करना है वो, और जो मिले हैं ना वो आपके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिले मुझे। चलो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है, वेरी वेरी वेरी। कोई हमारा भाई बंधु आना चाहे तो क्या रिकमेंड करेगी उसको? सर मैं ड्रॉप करके जाऊंगा उसको कहीं मिसगाइड ना हो जाए ये। तो ये थे भैया हमारे, योगेश जी नाम था, यस सर, योगेश भैया जी जो कि आए थे हरियाणा से, इनकी बाइक तो हो गई कंप्लीट, ये सेटिस्फाइड है। आपको भी कराना है अपनी किसी बाइक के किसी भी स्कूटी का काम तो आप आ सकते हो आपके अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलती है आप दिल्ली के करोल बाग नावेल के अंदर, और जो शॉप का एड्रेस है वैसे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लोकेशन भी डली हुई है, एड्रेस भी डला हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हुआ है, और आप चाहो फिर भी कॉल करके बात करके पूछना तो आप क्वारीज कुछ भी हो तो मेरा पर्सनल नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर 7827-21714 जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर भी DM कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एनी टाइम, रात में नहीं दिन में, ठीक है ना। तो बाकी वीडियो शेयर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, राजू भाई स्टडी को जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।